विकेट कीपर हैं, बैट्समैन हैं और मेरे फेवरेट भी हैं, और इनका बेस प्राइस है फिलहाल 2 करोड़ रुपीज़। तो आइए देखते हैं कि ये कितने में सोल्ड आउट होते हैं इस ऑक्शन में। सो ईशान किशन फॉर यू गाइज एट 2 करोड़ रुपीज़। 3 करोड़ रुपीज फॉर ईशान किशन। 7 करोड़ रुपीज फॉर ईशान किशन। 7.2 करोड़। 8 करोड़ फॉर ईशान किशन। 8.2 करोड़ फॉर ईशान किशन। 9 करोड़ फॉर ईशान किशन। 10 करोड़ फॉर ईशान किशन। ईशान किशन 10 करोड़.1 10.5 करोड़ फॉर ईशान करोड़। 12 करोड़ फॉर ईशान किशन। 12 करोड़ फॉर ईशान। 12.5 करोड़। 13 करोड़ फॉर ईशान किशन। 15 करोड़ फॉर ईशान किशन। 15.5 ईशान किशन। 16 करोड़ फॉर ईशान किशन। 16.5 करोड़ फॉर ईशान किशन। 17 करोड़ फॉर ईशान किशन। 17.5 करोड़ फॉर ईशान किशन। 17.5 करोड़। 1 17.5 करोड़। 2 18 करोड़। Both the team 18 crore for ईशान किशन। 18.5 crore for ईशान किशन। 19 crores for ईशान किशन। 19 crore for ईशान किशन। 19.5 crore for ईशान किशन। 19.5 crore for ईशान किशन। 20 crore for ईशान किशन। 20.5 crore for ईशान किशन। अभी ये बता दो कौन सी टीम खरीदेगी 20.5 crore? आरसीबी या फिर पंजाब किंग्स? ये दो पंजाब हर प्लेयर को खरीद लेगी। पंजाब ने अभी सिर्फ एक प्लेयर खरीदा। इस ऑक्शन का सबसे महंगे खिलाड़ी होने वाले हैं ईशान किशन, जो मुझे लग रहा है। ये पिछली बार खरीदे भी 15 करोड़ गए थे। तो हाँ मैं जा रहा हूँ, आपको नहीं खरीदना, मत खरीदिए, मेरी टीम है। 20.5 crore। 1 20.5 crore। 2 20.5 crore. 3 and ईशान किशन is sold to अंकित। ईशान 20.5 crore for ईशान किशन। क्यों अंकित? देखिए सीधी सी बात है कि इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन है और मुझे लग रहा था कि शायद 16-17 तक मिल जाएंगे, मगर बाकी जो लोग हैं काफी ज्यादा बोली बढ़ा दिए। ईशान किशन को मुझे खरीदने का सीधा सा मतलब है कि अच्छी शुरुआत देते हैं और अब एक्सपीरियंस हो गया, अब युवा नहीं रहे। जब पिछले 3 साल पहले खरीदे गए थे तब वो 15 करोड़ क्रॉस कर गए थे और मुझे लगता है कि ये जो उनकी बोली है ये सही है। और पंजाब किंग्स में मैंने जो प्लान किया था, मेरे हिसाब से 2 प्लेयर जो मैंने 20-20 के खरीद लिए हैं। इसके बाद मतलब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी मैं मानता हूँ ईशान किशन के पीछे 20 करोड़ तक चली जाएगी। ऐसी टीम है जो जरूर ईशान किशन के पीछे जाएगी, पर 20 करोड़ नहीं जाएगी। मुझे लगता है गुजरात टाइटंस ईशान किशन की तरफ जा सकता है, क्योंकि गिल उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, उनके पास कप्तान नहीं ये तो, और एक बेशक उनके पास 70 करोड़ है, लेकिन अगर उन्हें एक ओपनर चाहिए, एक बेहतरीन ओपनर चाहिए जो कि पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता है, तो ईशान किशन की हम पुरानी पारियां निकाल लें। 100 से ज्यादा मैचेस खेल चुके हैं, स्ट्राइक रेट भी उनका ठीक ठाक है, 130-140 के आसपास का वो स्ट्राइक रेट है, 2500 से ज्यादा रन बना लिए हैं। तो मुझे लगता है अगर उन्हें एक अच्छे ओपनर की तलाश है, यहां पर गुजरात टाइटंस इनकी तरफ जा सकते थे, लेकिन अंकित ने अच्छी बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल कर ली। दोस्ती यारी वाला ज्यादा सीन लग रहा है गिल और ईशान किशन की। हाँ, एक बेहतरीन दोनों की जोड़ी हो सकती है, क्योंकि ईशान किशन और गिल को अपने साथ खेलते हुए भी देखा है, दोनों अच्छी सलामी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और पावर प्ले जैसा गेम जब T20। और मुझे लगता है कि ईशान के पीछे पंजाब से बेहतर मुंबई तो भागेगी और आरसीबी भी जाएगी, उसको चाहिए ओपनर। देखिए मुंबई के ना जाने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि वो 20 करोड़ तो नहीं जाएंगे। मैं 14 करोड़ 15 करोड़ के ऊपर नहीं जा पाएंगे। 14 करोड़ तक था कि MI वो सीधी सी बात, राइट टू मैच ही लगा लेता मैं 14 करोड़। मुझे तो लगता है ईशान किशन के पीछे कम से कम 4 या 5 टीमें भागेंगी। नहीं भागने के लिए तो मैं अभी गिना देता हूं, सीएसके भागेगी, एमआई भागेगी, क्योंकि इस आईपीएल में ईशान किशन जो ऑफर कर सकता है वो शायद ही कोई और इंडियन बैट्समैन हो, क्योंकि ऋषभ पंत भी विकेटकीपर बैट्समैन है लेकिन वो मिडल ऑर्डर खेलते हैं, राहुल भी आजकल मिडल ऑर्डर ही खेल रहे हैं। तो आई फील कि ईशान किशन जो चीज ऑफर कर सकते हैं
डायनेमिक बैट्समैन है, अग्रेसिव खेलते हैं और विकेट कीपिंग करते हैं, और इनके इनके पास जो सबसे जरूरी चीज है वो एज, ही इज अ यंग प्लेयर, सो आप एज ए इन्वेस्टमेंट आप सोचोगे तो ईशान किशन कैन बी ए गुड बाय। और मैं 20 करोड़ नहीं गया, अगर मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर 16-17 करोड़ तक रुकते हैं ना तो मुंबई ले लेगी, मुंबई नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उनको पता है कि दो सीजन बहुत ज्यादा है कि अगर रोहित और बाकी जो खिलाड़ी हो रहे तो ईशान का रहना शायद जरूरी है। अंकित की मुंबई की तरफ ईशान जाएंगे क्योंकि मुंबई के पास ऑलरेडी आप देखेंगे सूर्या है, नहीं तो 20 करोड़ में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर खिलाड़ी अगर देखिए मुंबई के साथ है मुकुंद जी 20 करोड़ में नहीं जाएंगे। अभी आपने पिछली बोली लगाई थी कि सेम सीजन को देख के मैं वार्नर की बात कर रहा हूं, तो अगर सारी टीम सारी फ्रेंचाइजी इस तरफ जा रही है कि हम 2025 देख रहे हैं, 17th सीजन देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ईशान किशन गुजरात की तरफ जा सकते हैं, पंजाब एक नहीं, मैं 16 करोड़ एक गिल के साथ भी बेहतरीन ऑप्शन है। आपने जो रिटेन करा है प्रसन्नन को करा है जो ऑलरेडी एक विकेट कीपर है, हाँ, तो फिर वो इसको क्यों लेंगे ईशान किशन? नहीं ले सकते क्योंकि उनको ओपनर चाहिए ना, क्योंकि उनकी ना शुरुआत से अच्छी नहीं पाती है। लास्ट सीजन में टीम के पास जॉनी बेस्ट को बेस्ट के दो ऑप्शन दो जनरली टीम में दो विकेट कीपिंग जितेश शर्मा था, जितेश शर्मा था पिछले साल और पिछले सीजन में, तो जितेश ने विकेट कीपिंग की थी, प्रोफेसर जमन वो मैच जिसमें जितेश नहीं खेल रहा था उसमें प्रोफेसर ने विकेट कीपिंग की है, तो नहीं ऐसा नहीं जिस तरह से ओपनिंग में बैटिंग कर रहे हैं, मेरे को नहीं लग रहा कि उनको एक ओपनर चाहिए ऐसा, नहीं उनको शायद दूसरा ओपनर चाहिए और वो राइट हैंडेड तो इसका मतलब है कि उनके अंदर पोटेंशियल है। कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी जिसको दरकिनार करते हुए उन्होंने लिमिटेड ओवर्स का फॉर्मेट जो डोमेस्टिक क्रिकेट में था, दिलीप ट्रॉफी में भी अच्छा प्रदर्शन किया, अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होने वाली है तो हो सकता है वहां पर भी उनके बल्ले से रन आएंगे तो और ज्यादा उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलेगा। नो डाउट ये 20 करोड़ के खिलाड़ी हो सकते हैं, क्योंकि पिछले बार ही जब इनको मुंबई इंडियंस से खरीदा था तो 16 करोड़ के ऊपर चली गई थी। तो ऑल इन ऑल ये कहा जा सकता है कि ईशान किशन इस आईपीएल में एक महंगे प्लेयर साबित हो सकते हैं और काफी सारी टीम उन पर नजर रखे। इस आईपीएल में मुझे लगता है कम से कम 3 खिलाड़ी ऐसे जरूर होंगे जो 20 करोड़ को क्रॉस करेंगे, डेफिनेटली किशन उसमें से एक जरूर हो सकता है, डेफिनेटली, एंड वी विल सी टू दैट। डोंट मिस आउट, लॉग ऑन टू oneindia.com फॉर मोर अपडेट्स।